क्वेश्चन है, द स्ट्रिंग ऑफ ए पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज डिस्प्लेस थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड रिलीज्ड. देन द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द ऑर्डर टू विदस्टैंड द टेंशन एज द पेंडुलम पासिस थ्रू द मेन पोजिशन इज. टेंशन इन द पेंडुलम बतानी है कि वो मेन पोजिशन से पास हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे वो आ जाएगी तो नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा इसमें टेंशन, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा ये वेलोसिटी जो होगी क्या होगी रूट टू जी एल. तभी यह यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेन पोजीशन से पास करेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाती है रूट टू जी एल. अगर ये रूट टू जी एल कहाँ से है तो मैकेनिकल एनर्जी है दोनों की अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी रूट टू जी एल आ जाएगी यहाँ की वेलोसिटी. तो टेंशन हमें निकालनी है तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय में एल. ये हो जाएगी हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय में एल. ओके तो यहाँ से टेंशन तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय में एल प्लस एम जी. तो टी इक्वल टू मास या फिर हम दोनों के दोनों जगह हम क्या कर देंगे एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय में एल प्लस एम जी. तो एम वी क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर फोर जो ले तो रूट टू जी एल इसका स्केयर आ जाएगा डिवाइड बाय में एल प्लस एम जी. तो टी इक्वल टू टेंशन हमें निकालनी है तो एम इंटू में टू जी एल डिवाइड बाय में एल इक्वल प्लस एम जी. एल से एल क्या हो गया कैंसिल हो गया तो टी इक्वल टू क्या आ गया टू एम जी प्लस एम जी. तो टेंशन कितनी आ जाएगी टी इक्वल टू आ जाएगा थ्री एम जी. तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगी 3 mg होगा और ये मेन पोजीशन को क्या देगी पास कर देगी. दिस इज द क्वेश्चन. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आई है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी होगी रूट टू जी एल. की बॉडी बी पोजीशन तक पहुंच जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी वो रूट टू जी एल होगी. तो हमारे पास टेंशन क्या आ जाएगी जो 3 gm. दिस इज द क्वेश्चन.